बात भी यहां पर शेयर करना चाहता हूं। मोदी जी के प्रधानमंत्री जी के रूप में शपथ ग्रहण समारोह के बाद मैंने आत्मीय भाव से दूरभाष किया। मैं एक एक दिन में 10-10 सभाएं करता था, लाखों लोगों के बीच दिन रात घूमता था, तो मोदी जी का पहला शब्द था, स्वामी जी आपने अपने आप को कैसे विड्रॉ किया, आप तो इतने आगे बढ़ चुके थे सामाजिक कार्यों में। मैंने कहा मोदी साहब आप जैसा महान नेतृत्व अब इस देश को मिल गया है तो हम निश्चिंत हैं कि अब भारत का भविष्य उज्जवल होगा, अब हमें राजधर्म और राष्ट्रधर्म की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैं अपने मूल धर्म योग और अध्यात्म धर्म में लौट आया और मैं समर्थ गुरु सत्ता के सम्मुख, और हमारे बड़े भाई भी हैं और इस राष्ट्र और विश्व के लिए एक गौरवपूर्ण व्यक्तित्व मोदी साहब, इस महान सत्ता के सामने अपने हृदय की एक बात शेयर करना चाहता हूं। मैंने सोचा कि आखिर मेरी क्या भूमिका होगी इस देश के लिए, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दुनिया में जितने भी श्रेष्ठ कार्य हो रहे हैं मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन सबसे बड़ा कार्य इस कोई धरती पर है तो एक दिव्य मानव का निर्माण करना है। और दिव्य मानव के निर्माण की दो ही सीढ़ियां, एक योग और अध्यात्म, जिससे व्यक्ति नर से नारायण, मानव से महामानव, जीव से ब्रह्म बनता है, और दूसरा शिक्षा और संस्कार। और अभी पिछले दिन मोदी साहब ने कहा स्वामी जी इस योग को और बड़े रूप में जन आंदोलन का स्वरूप दो, तो आज आदरणीय मोदी जी के समक्ष मैं इस बात को कह रहा हूं कि इस बार हम 21 जून को लगभग 5 लाख लोगों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन अहमदाबाद में करने वाले हैं। तो में रोम रोम में हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर में योग समाया हुआ, हम योगी ऋषियों की संतान। अभी 1 लाख से ज्यादा पूरे देश भर में योग की कक्षाएं हमारे कार्यकर्ता लगा रहे हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आप सबके संकल्प से अनुप्राणित तो होकर के एक बात यहां से कहना चाहता हूं, 2-3-4-5 साल हम लगे रहेंगे, 6,38,365 गांव में और पूरे हिंदुस्तान में हम 11 लाख निःशुल्क योग की कक्षाएं संचालित हो, इसके लिए रात दिन पुरुषार्थ करें और शिक्षा संस्कार युक्त हो, उसके लिए एक एक जिले में एक एक आचार्य कुलम खुले और भारत में विश्व का एक श्रेष्ठतम विश्वविद्यालय बने, इसके लिए भी पतंजलि अपना सर्वस्व समर्पित करेगा। दूसरा कार्य मैंने सोचा, जीवन की सार्थकता किसमें है? वेदों को पढ़ा, आप्त पुरुषों से सुना और स्वयं अनुभव किया कि सेवा ही जीवन का सार है। जो सपना देखा था चंद्रशेखर राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, जो संकल्प था श्री अरविंद का, अति मानस चेतना युक्त, उच्च चेतना युक्त मानव के निर्माण का, जो सपना था स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद का, हम अंतिम श्वास तक अपने महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने के लिए इस भारत माता की सेवा करेंगे। माता भूमि पुत्रो हम पृथ्वी।